मूवी के स्टार्ट होते ही हम 2019 का साल देखते हैं, जहां पूरी दुनिया का क्लाइमेट बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर हो रहे होते हैं। हर कंट्री में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अजीब घटनाएं घटती हैं। कई कंट्रीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोग बस कुछ ही मिनटों में मर जाते हैं। वहीं दुनिया की दूसरी साइड में इतना ज्यादा सैलाब यानी कि फ्लड आता है कि लोग उसी में डूब जाते हैं, और कहीं पर ऐसा सूखा पड़ता है कि जमीन फट जाती है और लोग बिना पानी के ही मर रहे होते हैं, तो कहीं पर सुनामी और टाइफून आ रहा होता है। ऐसा ही हाल पूरी अर्थ का होता है। इसी दौरान 27 कंट्रीज आगे बढ़ती हैं और वो अपने बेस्ट और स्मार्ट साइंटिस्ट को भेजकर वर्ल्ड लेवल पर एक टीम बनाती है। इस साइंटिस्ट के टीम के लीडर होते हैं जैक। ये लोग मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं जो इस दुनिया के बिगड़ते हुए क्लाइमेट यानी के डिजास्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इस क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली सैटेलाइट को डच बॉय कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी सैटेलाइट थी जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमती थी, और देखते ही देखते जो तबाही दुनिया में चल रही थी वो इन सभी को कंट्रोल करने लगती है। डच बॉय ये एक सबसे मेन सैटेलाइट थी। अब पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो उनके क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए हर एक कंट्री को अलग अलग सैटेलाइट की जरूरत थी। इसीलिए डच बॉय के थ्रू हर एक कंट्री को अपना अलग अलग सैटेलाइट प्रोवाइड किया जाता है। अब उस पर्टिकुलर कंट्री का सैटेलाइट उस कंट्री के क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। अब धरती के ऊपर सारे सैटेलाइट का एक जाल बिछ जाता है, और उन सबकी मेन सैटेलाइट थी डच बॉय। डच बॉय का क्रिएटर था जैक। अब जैक क्योंकि यूएस का सिटीजन था, इसलिए यूएस की गवर्नमेंट डच बॉय का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती थी, लेकिन जैक उन सब में गवर्नमेंट साथ देने से मना कर देता है और अपना अप्रूवल नहीं देता। उसके बाद यूएस की गवर्नमेंट उसे डच बॉय की लीडर की पोस्ट से हटा देती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि उसके भाई मैक्स का होता है, जो उसे चुप रहने को कहता है। उसके बाद जैक गवर्नमेंट का कहना मान लेता है। उन सब में गवर्नमेंट का साथ मैक्स भी दे रहा था। उसके साथ गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है जो स्टाफ अभी डच बॉय में काम कर रहे हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस बात पर जैक राजी नहीं होता और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ये मीटिंग को बंद कर दिया जाता है। आगे मैक्स जैक को बताता है कि उसे अब डच बॉय का लीडर बना दिया गया है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें 3 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। इन बीते 3 सालों में अर्थ का क्लाइमेट बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक से हम अफगानिस्तान के एक गाँव को देखते हैं जो भरे रेगिस्तान में था, लेकिन अचानक से उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि हर चीज बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है यानी कि फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उस गाँव के सारे ही लोग मर जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद यूएस के मेन प्रेसिडेंट और उनके कुछ मेन लोगों की मीटिंग होती है, जहां सबको ये लगता है कि शायद डच बॉय में कुछ खराबी आ जाने की वजह से ही वो पूरा गांव फ्रीज हो गया होगा, और अब उनको ये बात कैसे भी करके छुपानी थी। लेकिन मैक्स उन सबसे कहता है कि हमें ये बात छुपाने की बजाय जल्द से जल्द डच बॉय को रिपेयर करना होगा, और इस काम के लिए उन्हें जैक की मदद लगेगी क्योंकि वही इसका क्रिएटर था। दूसरी तरफ स्पेस में अफगानिस्तान की सैटेलाइट को वापस बुलाकर उसकी जगह पर दूसरी सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। जब वो पुरानी सैटेलाइट स्टेशन पर आती है, तब एक वर्कर मेक मोड उस सैटेलाइट का डेटा निकाल लेता है और वो उसे एक लॉकर में छुपा देता है। उसके बाद मेक मोड एक खाली जगह पे जाता है तो अचानक वहाँ की सारी विंडो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीप स्पेस में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है, यानी कि उसे किसी ने जानबूझकर मारा था। दूसरी तरफ मैक्स जैक से मिलने उसके घर पर जाता है, जहां वो उसे वापस आने को कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है। फिर मैक्स उसे अफगानिस्तान वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए डच बॉय में खराबी आ गई है, लेकिन जैक को यकीन था कि उसने एक ऐसी परफेक्ट मशीन बनाई है जिसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो उसे देखने के लिए राजी हो जाता है। आगे हमें हांगकांग कंट्री दिखाई जाती है, जहां का क्लाइमेट कंट्रोल चियांग लोंग के हाथ में था। जब वो मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं तो उनके हाथों से अंडों की ट्रे गिर जाती है, जो रोड पर गिरते ही ऑमलेट बनने लगते हैं। उसके बाद वहां अर्थक्वेक यानी के भूकंप आने लगता है और जमीन के अंदर से लावा बाहर आने लगता है। ये देखकर चियांग वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में पूरा शहर तबाह हो जाता है। लेकिन चियांग वहाँ से बचता हुआ एक ब्रिज पर आ जाता है, जहाँ से जब वो पीछे की तरफ देखता है तो उसके सामने ही पूरा शहर तबाह हो रहा था। ये देखकर चियांग परेशान हो जाता है और ये सीन देखकर वो डर जाता है। उधर जैक डच बॉय पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ हम उसकी बेटी हैना को देखते हैं, जो उससे इमोशनल होते हुए जल्दी वापस घर आने को कहती है। जैक उसे प्रॉमिस करता है कि वो सही सलामत वापस आएगा। अब जैक शटल स्पेस में बैठकर स्पेस स्टेशन के लिए चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे 3 काम दिए जाते हैं। पहला, अफगानिस्तान में हुए इंसिडेंट के बारे में पता लगाना।
दूसरा मिक मोटकी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना और तीसरा हांगकांग में हुए इंसिडेंट के बारे में पता लगाना। जैक यहाँ पर अपने पूरी टीम के साथ काम करना चाहता था लेकिन उसकी पूरी टीम को रिप्लेस कर दिया गया था। फिर जैक अपनी नई टीम से मिलता है। इधर चियांग हांगकांग वाली सैटेलाइट का सिस्टम लॉगिन करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम लॉगिन नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे हैक कर लिया हो। ये देखकर चियांग मैक्स को कॉल करके इसके बारे में बताता है। फिर मैक्स भी अपने सिस्टम पर लॉगिन करके देखने की कोशिश करता है तो उसे भी सिस्टम लॉगिन करने से मना कर देता है, यानी कि किसी ने टच बॉय को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तब चियांग मैक्स को कहता है कि अगर हमने उसे जल्दी ठीक नहीं किया तो जियो स्ट्रॉम आ जाएगा, यानी कि वो दिन जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मैक्स कहता है कि हो सकता है शायद ये कोई ग्लिच हो। उसके बाद चियांग एक बार फिर से लॉग इन करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पर कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। ये देखकर चियांग उनसे छुप जाता है। जो लोग वहाँ आए थे वो लोग चियांग की सिस्टम से डेटा चोरी करने लगते हैं। ये देखकर चियांग समझ जाता है कि इन सब के पीछे जरूर कोई है। अब जैक स्पेस स्टेशन में मौजूद सारी सैटेलाइट को स्कैन करने को कहता है। वहाँ पर टोटल 1270 सैटेलाइट थी। उधर मैक्स अपनी ऑफिस में काम करने वाली एक हैकर डियाना को अप्रूव करके उसे छुपकर ये चेक करने को कहता है कि डच बॉय को हैक करके उसमें किसने लॉगिन किया था और उसे ये सारी बातें सीक्रेट रखने को कहता है। अब जैक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया जाता है कि इस मिशन का इंचार्ज उसके भाई मैक्स को बनाया गया है, इसलिए उसे इस मिशन की हर रिपोर्ट मैक्स को देनी होगी। जैक को ये बात पसंद नहीं आती। इस जगह दोनों भाई में काफी इशू पैदा होने लगते हैं। आगे जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और हांगकांग की सैटेलाइट को स्पेस स्टेशन पर बुला लिया जाता है। जैसे ही उसे चेक करने के लिए जैक की टीम आगे बढ़ती है, वहाँ की लिफ्टिंग मशीन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो मशीन उन पर अटैक करने लगती है लेकिन वो सभी लोग बच जाते हैं। उसके बाद उसकी टीम का एक मेंबर उसे एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो तब की थी जब मिक मोट की मौत हुई थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उसकी मौत किसी ने जानबूझकर की थी। स्पेस में जाने से पहले मिक मोट के पास एक हार्ड ड्राइव थी जो अभी भी उस स्टेशन के सोलर पैनल में अटकी हुई थी। उस हार्ड ड्राइव को लेने के लिए जैक और यूथ जाते हैं, जहां जैक उस हार्ड ड्राइव को ले लेता है लेकिन वापस आते वक्त उसके सूट में खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो डीप स्पेस में जाने से बच जाता है। अब स्टेशन पर वापस आकर वो उस हार्ड ड्राइव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि किसी ने जानबूझकर उसके सूट में खराबी पैदा की है, यानी कि उसे मारने की कोशिश की है। अब जैक को अपनी इस टीम पर भरोसा नहीं था। जैक यूथ के साथ बैठकर उस हार्ड ड्राइव में से इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है लेकिन उन्हें ये पता चल चुका था कि किसी ने जानबूझकर डच बॉय के सिस्टम में खराबी पैदा की थी जिसकी वजह से डच बॉय अलग अलग कंट्री के सैटेलाइट को ऑर्डर दे रहा था जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया और लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ चियांग हांगकांग से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है। मैक्स अपनी फ्रेंड सैरा को भी अपने साथ लेकर आता है जो कि यूएस की एक एजेंट होती है। वहाँ उनसे मिलने चियांग आता है लेकिन चियांग जैसे ही उनसे मिलने के लिए रोड क्रॉस करता है उसे पीछे से कोई जानबूझकर धक्का दे देता है जिसकी वजह से चियांग एक कार से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरते हुए चियांग मैक्स को प्रोजेक्ट सीउस का नाम बता देता है। अब जैक अर्जेंट ही एक मैसेज भेजता है कि उसे एक मीटिंग करनी है जो कुछ उसके पास हो रहा है उसके लिए। जैक उसे सारी सच्चाई बताने लगता है जिसमें वो जितनी बातें मैक्स से कहता है वो सब कोड वर्ड में होती है। जब मैक्स इन कोड वर्ड को समझ लेता है जिससे उसे पता चलता है कि जैक ने उससे क्या कहा। असल में जैक ने मैक्स से कहा था कि इन सब में गवर्नमेंट का कोई आदमी स्पेस स्टेशन के आदमी से मिला हुआ है। अब जैक मैक्स को किसी पर भी भरोसा करने से मना कर देता है। मैक्स बात को अच्छी तरह से समझ लेता है। उसके बाद मैक्स डेला को प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में बताने को कहता है। डेला को उस प्रोजेक्ट की कुछ फाइल तो मिल जाती है लेकिन वो उसे ओपन नहीं कर पाती। उसके बाद मैक्स अपनी फ्रेंड सैरा को हेल्प करने के लिए कहता है। मैक्स सैरा से कहता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस के सर्वर से उस प्रोजेक्ट ज्यूस का पता लगाना होगा। पहले तो सैरा इस काम के लिए मना कर देती है लेकिन मैक्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर जैक फिर से कैमरा और सीसीटीवी देखने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि एक ड्राइव मेक मोड ने अपने लॉकर में छुपाई हुई थी। जैक उस ड्राइव को वहाँ से ले आता है जहाँ मेक मोड ने उसे छुपाया था। उधर मैक्स प्रोजेक्ट ज्यूस की फाइल देखने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने डच बॉय के सिस्टम में जानबूझकर खराबी पैदा की और वो उसे एक वेपन यानी कि हथियार की तरह उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया है और वो जल्दी ही दुनिया की सारी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके जियो स्ट्रॉम लाने वाला है, यानी कि दुनिया खत्म। मैक्स जल्दी से इस बात को जैक को बताता है जिसे सुनकर जैक नर्वस होने लगता है क्योंकि उसने डच बॉय को दुनिया की मदद करने के लिए बनाया था और किसी ने उसे एक हथियार बना दिया है। जैक उससे कहता है कि हो सकता है ये सब प्रेसिडेंट कर रहे हो, लेकिन मैक्स इस बात पर एग्री नहीं होता कि प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर मैक्स वहां से प्रेसिडेंट के पास चला जाता है जहां प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे, तो मैक्स उनके साथ निकल जाता है। जैक को पता चलता है कि टर्की के सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया है जिसकी वजह से टर्की में तबाही मची हुई है। वहाँ बर्फ के गोले गिर रहे हैं।
आगे पता चलता है कि ब्राजील के सैटेलाइट से भी कनेक्शन टूट गया है, जिसकी वजह से वहाँ की समुद्री लहरों का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर गया है कि वहाँ की सारी चीजें फ्रीज हो रही हैं, और साथ ही वहाँ आए सारे टूरिस्ट भी फ्रीज हो चुके थे। जैक के कहने पर उसकी टीम जल्दी से एक सैटेलाइट भेजकर ब्राजील स्टेशन की सैटेलाइट को हिट कर देती है, जिसकी वजह से ब्राजील का सैटेलाइट सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्राजील का खराब होता हुआ क्लाइमेट रुक जाता है। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन में जियो स्ट्रॉम का अलर्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पता चलता है कि अगले 1.5 घंटे में जियो स्ट्रॉम शुरू हो जाएगा। अगर जियो स्ट्रॉम से बचना है तो इस सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करना होगा, जिससे सारा प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाएगा और सिस्टम खुद को रिपेयर करके वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके लिए प्रेसिडेंट के बायोमेट्रिक लगेंगे। ये सारी चीजें जैक मैक्स को बताता है और मैक्स को काफी गुस्सा आता है कि प्रेसिडेंट ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे प्रेसिडेंट को राजी करके उनके बायोमेट्रिक ले ले। उसकी परेशानी वाली शक्ल देखकर उसका बॉस डेकॉम उससे पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तो वो डेकॉम को सारी सच्चाई बता देता है। डच बॉय को तबाह करने में शायद प्रेसिडेंट का ही हाथ है। अब ये सब सुनकर डेकॉम उससे पूछता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट स्यूज के बारे में कैसे पता है। ये सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है कि उसने प्रोजेक्ट का तो जिक्र ही नहीं किया था। तब मैक्स समझ जाता है कि इस काम में प्रेसिडेंट नहीं बल्कि उसका बॉस डेकॉम मिला हुआ है। डेकॉम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स चालाकी से वहाँ से भाग जाता है और वो सैरा को आकर सारी हकीकत बता देता है। सैरा CIA की एजेंट होती है और प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी उस पर होती है, इसलिए वो जानबूझकर पब्लिक गैदरिंग में फायरिंग करती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को गैदरिंग छोड़कर निकलना पड़ता है, जहां वो प्रेसिडेंट के बाकी गार्ड को मारती है और उन्हें एक कार में लेकर चली जाती है, जहां मैक्स भी उनके साथ होता है। और कार में बैठकर मैक्स प्रेसिडेंट को सारी हकीकत भी बता देता है। तभी डेकॉम और उसके आदमी गाड़ी का पीछा करते हुए उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, और उधर डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से दुनिया की सभी जगहों पर तबाही होना शुरू हो जाती है, और हमारी इंडिया में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मुंबई में खतरनाक तूफान शुरू हो जाता है और अमरीका के फ्लोरिडा में बिजली गिरने लगती है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि मॉस्को का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की बर्फ भी जलने लगती है। यहाँ पर जैक ने डच बॉय को एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जब भी इनके अंदर जियो स्ट्रॉम का अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, और ताकि ये जमीन पर आकर ना गिरे, और इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ये स्टेशन भी तबाह होने वाला था। और इन सभी साइंटिस्ट के पास कुछ ही टाइम बचा था खुद को बचाने के लिए। जैक सबको ऑर्डर देता है कि वो सभी लोग सैटेलाइट में बैठकर यहां से निकल जाए। तभी जैक को ये पता चल जाता है कि वो आदमी कौन था जिसने डच बॉय में वायरस को डाला था। ये उनकी ही टीम का एक मेंबर डेल्कन टेलर था। ये स्टेशन का कमांडर होता है। इस काम के लिए उसे काफी पैसे भी मिले थे। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां डेल्कन गलती से एक बटन को दबा देता है, जिससे इस सेक्शन के विंडोज ओपन हो जाते हैं और डेल्कन डीप स्पेस में खींचा चला जाता है। अब सभी लोग सैटेलाइट में बैठ जाते हैं, लेकिन जैक जाने से मना कर देता है। वो यूथ से कहता है कि मुझे अपने भाई पर भरोसा है, वो जल्दी ही प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक ले लेगा, उसके बाद मैं इस सिस्टम को रिबूट कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ डेकॉम प्रेसिडेंट को मारने के लिए उनकी कार में एक रॉकेट को लॉन्च करवाता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस कार में नहीं थे। फिर सैरा डेकॉम को गन पॉइंट पर ले लेती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और डेकॉम को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब जियो स्ट्रॉम को आने में सिर्फ 9 मिनट बाकी थे। तब मैक्स जल्दी से प्रेसिडेंट को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक को अपलोड कर देता है। उधर स्पेस स्टेशन में जैक था और उसे प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक मिल जाती है। अब इधर प्रेसिडेंट जैक का ये सैक्रिफाइस देखकर उसे थैंक्स बोलते हैं। अब जैक मैक्स से उसकी बेटी का ख्याल रखने को कहता है। यहाँ पर मैक्स अपने भाई को लेकर इमोशनल हो जाता है और जैक बायोमेट्रिक को लेकर वहाँ के सिस्टम में अपलोड करने के लिए चला जाता है। वो अपना एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहन कर आता है। अब क्योंकि वो जगह खुल चुकी थी, इसलिए वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाती है। फिर जैक वहाँ से सिस्टम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर जैक की टीम की मेंबर यूथ आ जाती है, बायोमेट्रिक को अपलोड करने में वो उसकी मदद करती है। बायोमेट्रिक को अपलोड करने के बाद सिस्टम को कुछ टाइम चाहिए था खुद को रिबूट करने के लिए, जिसकी वजह से जैक जियो स्ट्रॉम के आने पर सिस्टम के लास्ट सेकंड पर पावर ऑफ कर देता है। इससे सिस्टम तो अपडेट हो जाता है, साथ ही स्पेस स्टेशन पूरी तरह तबाह होने लगता है। अब जैक वहां से बचने के लिए एक सैटेलाइट में जाने की कोशिश करता है। वो अपने साथ यूथ को भी उस सैटेलाइट में ले जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें स्पेस स्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस स्टेशन को तबाह होता देखकर सभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे बेस्ट साइंटिस्ट खो दिया था। जैक की बेटी भी ये देखकर रोने लगती है, साथ ही मैक्स भी रोने लगता है। तभी एक साइंटिस्ट देखता है कि वहाँ अभी भी एक सैटेलाइट बची हुई है। ये चीज देखकर वो मैक्स को भी देखने को कहता है। फिर जैक की बाकी टीम वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट लेकर आती है और जिस सैटेलाइट में जैक और यूथ थे उसे अपने साथ फिट कर लेती है। उसके बाद ये लोग अर्थ पर वापस आ जाते हैं और जैक को जिंदा देखकर सभी लोग खुश होते हैं।
हैं। जैक की बेटी भी ये देखकर काफी खुश होती है। अब मैक्स अपने भाई से मिलने एयरपोर्ट पर आता है और उसे गले लगा लेता है। प्रेसिडेंट भी उसे उसके काम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं और आगे दिखाया जाता है कि पानी का लेवल कम हो रहा है और क्लाइमेट भी ठीक हो रहा है। और आखिर में हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैक, मैक्स और उसकी बेटी तालाब के पास बैठकर फिशिंग कर रहे थे और पूरी फैमिली एक साथ काफी इंजॉय कर रही थी। उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।